આજે જામનગર મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા મેયર વિનોદભાઈ ખીમસુરિયાને અધ્યક્ષસ્થાને યોજાઈ હતી. બેઠકમાં આવાસના લાભાર્થીઓને હપ્તા ભરવાની રકમમાં વ્યાજમાફીની મુદત વધારવાની દરખાસ્ત સર્વાનુમતે બહાલ થઈ હતી. વિપક્ષના આગેવાનો દ્વારા મા અમૃતમ કાર્ડની કામગીરીમાં સંબંધિત મહિલા અધિકારીની મનમાની, ભૂગર્ભ ગટરના પ્રશ્નો ન ઉકેલાવા સહિતના મુદ્દાઓ પર રજૂઆતો થઈ હતી. ભૂગર્ભ ગટરના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવતું ન હોવાનું તથા કોન્ટ્રાક્ટરની દાદાગીરી અંગે જણાવી શાસક પક્ષના કિશનભાઈ માડમે પણ આ અંગે રજૂઆત કરી હતી. આક્રમક વિરોધ પ્રદર્શન માટે જાણીતા વિપક્ષી કોર્પોરેટર રચનાબેન નંદાણીયાએ મંડપ સર્વિસના ખોટા બિલ બનાવી ભ્રષ્ટાચાર થતો હોવાનો તથા વિવાદિત મંડપ સર્વિસવાળા શાસક પક્ષ સંલગ્ન હોવાના આરોપ લગાવતા ખળભળાટ થયો હતો. દરમિયાન સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન નિલેશભાઈ કગથરા દ્વારા નિયમોનુસાર કાર્યવાહીઓ થતી હોવાનું જણાવાયું હતું. રચનાબેને રેકડીઓવાળાઓને તંત્ર પજવતું હોવાના તથા હપ્તા વસૂલી જેવા આરોપો લગાડ્યા હતા. આ તકે સામાન્ય સભા સમિતિ લેવાઈ હતી. જામનગર ખંભાળીયા હાઈવે પર રસ્તાના સમારકામને પગલે છેલ્લા 2-3 દિવસથી ટ્રાફિક જામની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. આજે પણ બેડ ટોલનાકાથી જામનગર એરપોર્ટ સુધીના માર્ગે ઠેર ઠેર જામના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. ડમી સિમ કાર્ડ વેચવા, ન્યૂડ વિડીયો કોલ કરી બ્લેકમેલિંગ કરવા, યાત્રાધામોની હોટલોની ફેક વેબસાઇટ બનાવી બોગસ બુકિંગ કરી ફ્રોડ કરવા સહિતના સાયબર ગુનાઓ કરતી ગેંગને આંતરરાજ્ય ઓપરેશન કરી દેવભૂમિ દ્વારકા સાયબર ક્રાઇમે મોટી સફળતા મેળવી છે. હાલમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા કી સાયબર પોલીસ ટીમને સાયબર સેફ દ્વારકા પ્રોજેક્ટ કે અંતર્ગત એક મેગા ઓપરેશન કિયા હૈ ઓર જિસમે કાફી બડા સક્સેસ ભી મિલા હૈ હમે. જૈસે કે હમ જાનતે હૈ કે જો દેવભૂમિ દ્વારકા ડિસ્ટ્રિક્ટ હૈ વો એક કાફી બડા ટુરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન હૈ और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग यात्रा के लिए आते हैं और उसके लिए होटल बुकिंग करवाते हैं. बट कुछ टाइम से हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी जिसमें ये हमें पता लग रहा था कि फेक ऑनलाइन बुकिंग हो रही है और इसी के साथ साथ दूसरे तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स जैसे कि न्यूड वीडियो कॉलिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स भी हो रहे थे. तो इन सब केसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने अलग अलग टीम्स बनाई और हमने इस पर कार्यवाही करनी शुरू की, जिससे कि कुछ टाइम पहले हमने एक लखनऊ में एक नीरज सदानंद तिवारी नाम के आदमी को अरेस्ट किया था जो एक फेक वेबसाइट्स बनाता था जिससे ऑनलाइन फेक बुकिंग्स होती थी. और हमें तपास के दौरान पता लगा कि लगभग ये आदमी 200 के करीब फेक वेबसाइट्स बना चुका है. तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर और हमने आगे कार्यवाही और तपास करते हुए आगे कार्यवाही की और पता लगा कि वडोदरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत से इल्लीगल सिम कार्ड्स बिक रहे थे. तो वहाँ से कार्रवाई करने पे हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जिनके नाम है हसन शेख, अल्ताफ शेख और आरिफ मिर्ज़ा. तो जब हमने तपास की और पूछताछ की उससे पता लगा कि ये लगभग अब तक 600 के आसपास इल्लीगल सिम कार्ड बेच चुके हैं और तीनों ये लड़के सिम कार्ड बेचने में पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं और मेजॉरिटी जितने भी सिम कार्ड हैं वो राजस्थान में भेजे जाते हैं और राजस्थान में जो ये भेजते हैं उनका लिंक है धान सिंह नाम का लड़का है जो राजस्थान के डीग डिस्ट्रिक्ट में रहता है. तो जब हमने आगे इसको कार्यवाही की और राजस्थान हमने अपनी टीम भेजी तो वहाँ से हमें पता लगा कि इनका जो फादर है गोपाल गुर्जर, हमने उसको अरेस्ट किया. वो इसी के साथ इल्लीगल सिम कार्ड बेचने में काम करता था और ये सिम कार्ड्स का मेजॉरिटी अलग अलग जितने भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता था. और इसके अलावा हमारे पास रिसेंटली एक खंभलिया में केस आया है जिसमें एक मंडप सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उन्होंने फेसबुक के फेक पेज पे अपना एक ऑनलाइन ऑर्डर किया और ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद उन्होंने 30,000 के आसपास की पेमेंट की. बट कुछ टाइम बाद पता लगा कि वो एक सारा जो ऑनलाइन ऑर्डर का प्रोसेस था वो फ्रॉड था. और जब हमने उसको ट्रेस किया तो हमने इसके भी लिंक्स राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में पाए और जहाँ से हमने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम हलवीर सिंह बेनीवाल है. तो ये भी हमारा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था. और इसके अलावा और एक और केस था न्यूड वीडियो कॉलिंग का, वो भी खंभलिया डिस्ट्रिक्ट का था. इसमें जो विक्टिम है उसको पहले न्यूड वीडियो कॉलिंग की जाती है और फिर उसके बेसिस पे उसको ब्लैकमेल किया जाता है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाकर. जब उससे थोड़े पैसे हड़प लिए जाते हैं उसके थोड़ी देर बाद
जो लड़की होती है न्यूड वीडियो कॉलिंग में, उसका ये पोर्ट्रे किया जाता है कि वो सुसाइड कर रही है, और अगर वो सुसाइड ना करे और उस विक्टिम को ना फंसाए तो उसके लिए वो उससे और पैसे मांगते हैं। और उसके बाद एक कोई नया यूट्यूबर आता है, वो ये धमकाता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं वीडियो यूट्यूब पर लिंक कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ही केस को मल्टीपल टाइम्स एक विक्टिम से पैसा निकालने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और लगभग उस विक्टिम से 89,000 रुपीज़ अब तक हड़प लिए थे। तो जब हमने इस केस पे भी कार्रवाई की तो पता लगा कि ये केस के ट्रेसेस भी जो डीग डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, वहीं पे जाते हैं। और वहाँ से भी हमने इसमें एक अजरू याद मोहम्मद नाम का आदमी है जिसको हमने अरेस्ट किया, और उससे हमें लगभग 5 स्वाइप मशीन्स, 14 ATM कार्ड्स, 6 मोबाइल, 3 चेकबुक और 28 सिम कार्ड्स मिले जो इलीगल थे। तो इससे आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसमें जो इलीगल सिम कार्ड होता है उसका एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। और हम जितने भी सिम कार्ड्स हैं उसका ट्रेस कर रहे हैं कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, इसके टेक्निकल एनालिसिस किए जा रहे हैं। और नॉर्मली फेक सिम कार्ड्स ऐसे होते हैं, इनका MO ये रहता है कि जब भी कोई आदमी सिम कार्ड खरीदने जाता है तो जो सिम कार्ड बेचने वाले होते हैं वो किसी ना किसी बहाने से सिम कार्ड का जो थंबप्रिंट और फिंगरप्रिंट जिसको हम कहते हैं वो दो बार ले लेते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि फिंगरप्रिंट क्लियर नहीं है आप दोबारा दे दीजिए। दूसरा MO ये है कि वो जब फिंगरप्रिंट आपको लेते हैं उसके बदले आपको डीएक्टिवेटेड सिम कार्ड दे देते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगले एक दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन वो जब एक्टिवेट नहीं होता है तो कस्टमर अगले दिन दोबारा जाता है उसके पास कि मेरा सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ है, और फिर वो उससे इसी बहाने से दोबारा थंबप्रिंट और फिंगरप्रिंट लेता है जिससे कि वो दूसरा सिम कार्ड एक्टिवेट कर रहा है। तो इससे एक आदमी और एक कस्टमर के फिंगरप्रिंट पे जिसमें एक एक्टिवेशन होना चाहिए था एक से ज़्यादा हो पाता है। तो ये बेसिक MO है। तो आपके ज़रिए हम ये भी लोगों में सूचना देना चाहते हैं कि जब भी कोई आप सिम कार्ड खरीदने जाते हैं तो कोई भी कारण से आप एक से ज़्यादा बार अपना फिंगरप्रिंट नहीं दीजिए, और अगर आप दे भी रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए वो जेन्युइन रीज़न है। एंड अभी भी ये जो मैंने केसेस बताए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर चलेगा, टेक्निकल एनालिसिस और किए जाएंगे, और जितना भी फेक ऑनलाइन बुकिंग और बाकी साइबर केसेस हैं उस पर तपास की जाएगी ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है साइबर सेफ द्वारका का वो हम उसे और भी सक्सेसफुल बना सकें। सर, कितने लोगों के साथ इतनी छतरबिंदी हुई है और कितने रुपये की हुई है? इसमें ऐसा है कि अब तक बहुत से ऐसे फ्रॉड होते हैं जो हम तक पहुंचते भी नहीं हैं, तो जितनी हमें अब तक कंप्लेंट्स मिली हैं उस पर आराम से हमें लगभग 20 लाख के आसपास ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं, होटल बुकिंग के ही सिर्फ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फ्रॉड्स होंगे जिनकी कंप्लेंट मिलती ही नहीं है, लोग इग्नोर कर देते हैं। सर, ये जो आरोपी है उसकी MO कैसी है? इनकी बेसिक MO यही रहती है कि अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक आदमी ऐसा होता है जो फेक वेबसाइट बनाता है और वो आगे बेच देता है, एक आदमी ऐसा होता है जो फेक सिम कार्ड प्रोवाइड करता है और आगे बेच देता है, एक आदमी ऐसा होता है जो उन फेक वेबसाइट और फेक सिम कार्ड का यूज़ करके फेक बुकिंग्स लेते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ से भी वो पेमेंट होती है वो कोई और आदमी जाके उसको आगे कहीं और तरीके से यूज़ करता है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस पे काम किया जाता है। सर, आरोपियों को रिमांड कितने दिन का मिला है? आरोपियों को रिमांड जो हमने पहले लिया था, जो वेबसाइट वाले को हमने अरेस्ट किया था, उसका 5 दिन का मिला था, और उसी के बेसिस पे हमने आगे तपास की थी और आगे की भी कार्यवाही हमारी चालू है। अयोध्या राम मंदिर ना भगवान श्री राम नी चरण पादुकाओं नी देशभर ना विविध मंदिरों मा पधरामणी करवामा आवी रही छे। आजे द्वारका ना जगत मंदिरे पण पादुका नी निज मंदिर मा पधरामणी करवामा आवी हती। यद्भूतं यच्च भाव्यं मा भूतामृतत्वशेषानो यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास्य पूर्णकः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयद्भूर्वकः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रामचासनासनेऽभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूर्वः सजातो अत्यरिच्यतपश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मादिभ्यः सर्वहूतः संभृतं बृहदाज्यं पशु।
જામનગરમાં પંચેશ્વર ટાવર નજીક અપના બજાર પાસે નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરના પ્રવેશદ્વાર પાસે વાહન પાર્ક કરવાના મુદ્દે વિપુલભાઈ મહેતા નામના શખ્સ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવતા ખળભળાટ થયો છે. ઈજાગ્રસ્તને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સચોટ સમાચારો સૌથી ઝડપી મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.